इस रियाद लेखा दीदी से मेरे तीन सवाल हैं। बीजेडी ने 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया चिट फंड का पैसा कहाँ गया दीदी बता दो। मैंने गोविंदा से अमानत से कहा बीजेडी की पोल मैं क्यों खोलूं, वो तो लेखा दीदी खुद ही खोल रही है। प्रताप भाई आपने टेप बजाई, बीजेडी में थी बीजेपी में फिर बीजेडी, यही हुआ ना। अरे जिसका खुद का ठिकाना नहीं, जो अपनों की ना हो सकी वो आपकी क्या खाक हो पाएंगी। इसीलिए पब्लिक 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, प्रताप भाई गोविंद जी और मानस को जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज ये विश्वास आपके सामने व्यक्त करती हूँ। मोदी ने कोरोना काल से लेकर अब तक गरीब को अगर मुफ्त का चावल ना दिया होता तो क्या गरीब परिवार का पेट भर पाता? नहीं भर पाता। अरे मुझे छोड़ो, लेखा दीदी खुद कहती है नवीन बाबू ने जनता की आंखों में धूल झोंकी है, राशन दे मोदी, फोटो लगाए नवीन, राशन दे मोदी, बैग आए तमिलनाडु के ठेकेदार से। सही कह रही हूं? क्योंकि इस मंच पर प्रताप भाई ने टेप बजा दी तो 2-3 टेप के लिए सवाल मेरे भी हैं। टेप वाली दीदी तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही है तो टेप वाली दीदी थोड़ा पता करके बताए नवीन बाबू से कि 32,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने, दीदी ये बता दो पैसा कहां गया। टेप वाली दीदी से मेरा सवाल है 60,000 करोड़ का खनन का घोटाला किया नवीन बाबू की सरकार ने, दीदी बता दो 60,000 करोड़ रुपया कहां गया। और टेप वाली दीदी के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो लेखा दीदी ये भी बता दो रतन भंडार की चाबी कहां है। चाबी खोई तो खोई, चाबी कहां गई वो रिपोर्ट भी खो गई। इसलिए आज लेखा दीदी से मेरे तीन सवाल हैं। बीजेडी ने 32,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया चिट फंड का पैसा कहां गया दीदी बता दो। 60,000 करोड़ का कहते हैं बीजेडी ने खनन का घोटाला किया, पैसा कहां गया दीदी बता दो। और कुछ बताओ ना बताओ, जगन्नाथ प्रभु के भक्तों को यह बता दो रतन भंडार की चाबी कहां गई। आज जगन्नाथ जी के भक्तों को मैं आश्वस्त करती हूं, 1 तारीख को पदम का बटन दबाओ, चाबी कहां गई उसका राज खोलो। और जांच की रिपोर्ट में जब पता चला मोदी को कि किसने गड़बड़ की है तो मैं मोदी की गारंटी देती हूं ऐसा पाप करने वालों को मोदी छोड़ेगा नहीं। आज मोदी की तरफ से मैं गारंटी देती हूं।